दोस्तों नमस्कार। बकरों में कुछ एक कंडीशंस ऐसी होती है, बकरे बकरियों दोनों में हो सकती है, कि जब हम इलाज करवा लेते हैं उसके बावजूद भी आराम नहीं मिलता और वो खाना पीना शुरू करते ही नहीं है। एक हमारे सब्सक्राइबर भाई की समस्या को आज मैं ले रहा हूँ, बड़ा गौर से सुनिएगा। हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, यह है वीके शॉर्ट स्टोरीज, और इन्होंने हेल्प के लिए गुजारिश की है। मेरा बकरा 4 दिन से कुछ भी नहीं खा रहा है और वो पानी ओनली पीता है। देखो पानी पी रहा है, खा कुछ भी नहीं रहा है। डॉक्टर को भी दिखाया है, डॉक्टर भी सही नहीं कर पा रहे हैं। सर प्लीज़ कोई उपाय बताइए। देखिए अगर ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में कोई भी बकरा अगर खाना पीना नहीं कर रहा है ना, तो वहाँ एक विशेष ड्रिप उसको लगाई जाती है जिसका नाम है नॉर्मल सेलाइन, जिसको हम NS बोलते हैं। भाई ये जो इंजेक्शन है NS नॉर्मल सेलाइन, ये आप उसे 500-500 ml रोज़ लगवाइए 2 से 3 दिन तक, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और साथ में पशु चिकित्सक एंटीबायोटिक लगाएंगे, इसमें साथ में नरवाइन इंजेक्शन लगाएंगे, तो बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक में हमेशा मैं बात करता हूँ, जैसे NS आपने लिया, उनसे लगवाना है 500 ml, और एंटीबायोटिक में आप अगर मोनोसैप भी ले लें, मोनोसैप ईजीली सब जगह मिल जाता है, मोनोसैप 1 ग्राम आप यूज़ कर सकते हैं बड़े बकरे के लिए, इसी में डाल दीजिए। साथ में एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है ट्राइबी वेट, ये भी आप 3 ml इसी के अंदर डाल करके और आप IV लगवाई दीजिए 3 दिन, बहुत अच्छा रहेगा। और मस्कुलर में इंजेक्शन वेटालजिन, यानी मांस पे कौन सा लगाना है भाई, इंजेक्शन वेटालजिन, ये आप 3 ml मांस में लगवा दीजिए, IM लगा दीजिए। ये तो IV लगेगा, वैसे भी आपको पता है ड्रिप तो है, IV लगेगा, और इसको आप मांस में लगवा दीजिए। ये फॉर्मूला पशु चिकित्सक से करवाना है। और साथ में अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवाई है, देखिए आपने टेम्परेचर वगैरह अगर नहीं लिखा है तो वो टेम्परेचर ले लेंगे। साथ में अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवाई है तो डिवॉर्मिंग करवा करके लीवर टॉनिक जरूर दीजिएगा। और अपना जो एक फॉर्मूला है ना बकरे की भूख बढ़ाने वाला, उसको आप इस्तेमाल कर लीजिए, जिसमें हम क्या करते हैं, मेथी, अजवाइन और काला नमक, इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। देखो मेथी, जैसे आपने मेथी ली पर डे की 20 ग्राम आपने मेथी ली, और एक साथ जैसे आप 5 दिन देना है, 100 ग्राम मेथी को आप गर्म तवे पर सेक लीजिए, उसे ठंडा कर लीजिए, पीस लीजिए, ठीक है, और पीस करके पाउडर बना लीजिए 20 ग्राम मोटा पिसा हुआ रोज। और इसके साथ अजवाइन मात्र 10 ग्राम, इसके साथ अजवाइन को भी आपको सेकना है तवे पर, लेकिन अलग अलग सेकना, क्योंकि अजवाइन जो है वो जल्दी सेकती है। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो है फ्रेंड काला नमक, इसको भी आप 10 ग्राम रोज दीजिए। अगर आप ये कॉम्बिनेशन देते हैं डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक देने के बाद, तो श्योरली वो ठीक हो जाएगा, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो मैं रोज़ रात को 10 बजे हमारा जो गॉट डिजीज सेक्शन है वहाँ लाइव आता हूँ रामावत एनिमल ऐप पर। तो आप रामावत एनिमल ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ वेट क्लास भी चलती है, डॉग क्लास भी चलती है, गॉट क्लास भी चलती है। तो गोट क्लास में आप गोट फार्मिंग की कंप्लीट जानकारी और बीमारियों की जानकारी ले सकते हैं। तो फ्री लाइव में आकर के सारे प्रश्न वीडियो भी भेज सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हुई है तो क्या करना चाहिए।